ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। ओम पितृभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः, पितामहेभ्यः स्वदायिभ्यः स्वदा नमः, क्षन्न पितरो मे मदन्त पितरः पितरः स्वदत्तं आप ही स्टेशन मास्टर हो ना? तुम कौन हो और बिना टिकट के यहाँ कैसे आ गए? टिकट है ना मेरे पास। सर संभल के सर। थी ना? अरे तुम जाओ, जाके विधि पूरी करो, जाओ। का 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 एक्सक्यूज मी सर, आपको देख के वैसे ही मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। पता नहीं मेरी बात सुनने के बाद आप गुस्से में आकर क्या करेंगे। आई एम राम, वही राम जैसे आपकी बहन से प्यार है। सर सर, आपकी बहन बहुत अच्छी लड़की है सर, आप नहीं जानते उसको पटाने में कितना टाइम लग गया। सॉरी, यही बात अगर मैं इंग्लिश में कहता तो इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं क्या करूं, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं। मेरी फैमिली को आपसे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। आप सोना को गुस्से में ले आए, बिल्कुल सही किया आपने। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, माफ कर दो ना सर। हो गया या कुछ बाकी है? पता नहीं सर, मैं अपनी बात आपको समझा पाया कि नहीं, पर मैटर यही है। आओ मेरे साथ। अरे रघुवीर, इसे अंदर क्यों ले जा रहा है? क्या मास्टर जी, इन्हें मेरे साथ कुछ प्राइवेट बातें करनी है। चलिए सर, चलिए चलिए। हाँ बैल, मुझे मार। मैंने जो आपके बारे में सोचा था बिल्कुल गलत है सर, आप तो जेंटलमैन हो। वाओ, नाइस हाउस। शांति क्यों है? ये मौत के पहले की शांति है गौरी। अफसर, उठा इसे और गांव से बाहर फेंक दे। ये वाला ढेर राम का है, इसमें से थोड़ा सा उठा के रघुवीर के ढेर में डाल देते हैं, फिर देखते हैं राम कैसे जीतता है। तुम्हारी खोपड़ी तो डॉन टू की तरह चल रही है बॉस। लाल कर रहा है, काम पे लग जा। डाला भी जोक मार रहा है। अब तो राम नाम
जल्दी तो हमें होनी चाहिए। सारा गांव चाहता है कि ये लड़का जीते। ये चलो देखते। बजाय तुम यहाँ अपनी जीत की प्रार्थना कर रहे हो क्या? राम के नाम की अर्चना पूरी हो गई। ये लीजिए नारियल। आज मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं वो लड़का जीतेगा या नहीं, लेकिन इतना जरूर है उसने तुम्हारा दिल जीत लिया। नहीं, उसे वो शर्त भी जीतनी पड़ेगी। तुम अभी भी तैयारी है? अगर वो हार गया तो क्या तुम उन दोनों की शादी नहीं करोगे? वो नहीं हारेगा मास्टर जी। उसने मेरी बहन के एक छोटे से खिलौने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। अगर वो हार गया तो मेरी माँ मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सुबह होते ही मैंने उसका अनाज देखा, मुझे थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मैंने अपने अनाज में से थोड़ा सा उसके ढेर में डाल दिया। बचपन में मैंने तुम्हारी सच्चाई पर दांव लगाया था, आज मैं वो जीत गया, जीत गया। चलो नारियल फोड़ो। राम की माँ को क्या बोलूंगा? तेरे तेरे घटिया प्लान ने मेरा सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। अब ये काम मैं करूंगा, तुम सिर्फ पुलिस को संभालना। हेलो बहन जी, समस्या बढ़ती ही जा रही है। वो लड़की राम को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। मुझे लगता है हम राम को खो देंगे। मैं सिर्फ आपके वादे के भरोसे बैठा हूँ। मैं अपने वादे हमेशा पूरे करती हूँ, इस बार भी वही होगा। अब मैं क्या करूँ बहन जी? तुम क्या करोगे मुझे वो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लड़की मेरे घर की बहू नहीं बननी चाहिए। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, बिजली गिराऊंगा, बिजली। परसों से यहाँ खेती कर रहा हूँ और अब तू मुझे बारिश के बारे में बताएगा? अरे तूफानी हवा है, यहाँ कोई बारिश वारिश नहीं आने वाली। अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं है सर, इसके पहले मैंने आपके खेत में नाला बना दिया था। आप ठीक रहे, मैं सब संभाल लूंगा।